दोस्तों आज हम विटामिन, फाइबर, आयरन और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर पोइया पत्ता का क्रिस्पी पकौड़ा बनाएंगे। एक बार आप मेरे तरीके से इस क्रिस्पी पकौड़ा को बना के देखिए, सच कहती हूँ आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इस क्रिस्पी पकौड़े को बनाने के लिए मैं अपने बगिया में लगी पोड़ो पत्ता को तोड़ रही हूँ। वैसे तो ये मार्केट में भी बहुत ही ईजी वे में मिल जाता है। कई साल पहले मैंने इसे अपने बगिया में लगाया था सिर्फ एक बार, और उसके बाद से ये प्रत्येक साल खुद ब खुद उग आता है। बिना दवा स्प्रे के भी देखिए कितना अच्छा से फैल गया है ये। आज मैं इसके छोटे छोटे पत्ते से साबुत क्रिस्पी पत्ता पकौड़ा बनाऊंगी। इसके बड़े पत्ता को आप बारीक काट के इसका पकौड़ा बना सकते हैं। इसके डंठल और पत्ते की सब्जी भी बनाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। पत्तों को तोड़कर हम इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे, फिर हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार करेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में आधा कटोरी चावल का आटा लिया है। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच लहसुन, जीरा और लाल मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पकौड़े में। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। अभी हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बना देगा, और वो है आमचूर पाउडर। तो हम यहाँ पे एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा टेस्ट आता है पकौड़े में। आमचूर पाउडर डालकर हम इसे खूब अच्छे से फेंटेंगे ताकि जो बैटर है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। अब इस बैटर में हम साबुत पोड़ो पत्ता डालेंगे। बैटर को हम पत्ता के दोनों तरफ अच्छे से लगा लेंगे और फिर इसे हम गर्म हो रहे तेल में छोड़ेंगे। कढ़ाई में तेल डालकर मैंने गैस पर चढ़ा रखा था। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे उलट पुलट कर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब देखिए मिनटों में हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटा पत्ता पकौड़ा बनके तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। इस तरह से इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चाय के साथ, सॉस के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी। अचानक से मेहमान आ जाएं तो भी आप इसे 5-10 मिनट में बना के मेहमानों के सामने परोस सकती हैं। तो मैंने प्लेट पर पोड़ो पत्ता को पहले बिछा दिया है, उसके बाद मैं इसे रखकर सर्व कर रही हूँ। मैं इस पत्ते को पोड़ो पत्ता या पोइया पत्ता कहती हूँ, आप इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी।